पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल विदिशा पहुंचे थे। बैरसिया मार्ग पर समसबाद विधायक के निवास पर किया भोजन। निमखिरिया स्थित अपने वेयरहाउस पर खेती बाड़ी देखी और ट्रैक्टर भी चलाया। शाम के समय बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। भाई थोड़ी सी रास्ता करा दो, तू घाट तक चले जा, करा दो चलो चलो भैया भैया। जिले की जनता को प्रणाम करता हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भरपूर प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिला है और पांचों की पांचों सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी टीम और हमारे पांचों विधायक मिलकर विदिशा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसमें मैं भी सहयोगी होऊंगा। जो अपेक्षाएं और जनता की है उन पर हम खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को भी उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। आगे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप क्या दायित्व निभाएंगे आगे? ये डबल इंजन की सरकार बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश की भी और विदिशा की भी जनता की सेवा करेगी। मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ और निरंतर हम जनता की सेवा में लगे। योजना चलेगी या बंद हो जाएगी? कई बार कहा कि मेरा दायित्व क्या होगा ये मैं तय नहीं करूँगा। मेरी पार्टी जो हमारा मिशन है देश की सेवा का और जनता के कल्याण का, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी वो काम करूँगा। भाई साहब लाडली बहना चलेगी या बंद हो जाएगी? लाडली बहना जैसी योजनाएं जिनने बहनों की बदली है निश्चित तौर पर चलेगी। सर आज पहला आदेश मोहन जो है पास किया है लाउड स्पीकरों को नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बधाई देता हूँ, अच्छी शुरुआत। सर संसद में सुरक्षा की चूक का मामला, चलो।